बड़े नादान निकले आप लोग। तो चलिए अब पॉइंट पे आइए। तुमको क्या लगता है ये टिकटॉक बैन करने से सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? ये जो टिकटॉकर्स रिलेशनशिप काफी सेम है भाई। अगर तुमको मैं एक पॉइंट बताती हूँ तो मानो तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुमको बहुत गुस्सा दिला दिया और तुम उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया। देखो भाई देखो कोई कितना मोटा है। वो आपको गुस्सा दिला दिया और आप रिएक्ट भी कर दिए तो इससे क्या हो रहा है, उनको रिएक्शन मिल गया, मतलब उनका काम सक्सेसफुल। पर बेइज्जती किसका हुआ? आपका। सेम एज टिकटॉक, उसमें भी ना तुमको ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा वीडियो देख लिया और फिर तुम उसको शेयर करने लगे, लोग उसको देख के बहुत मजे ले लिए। पर क्या, शेयर तो शेयर बढ़ते जा रहे हैं और हाँ, बंदे ने सोच लिया कि हाँ मैं वायरल हो रही हूँ, विच मीन्स पीपल वॉन्ट्स मी। मतलब क्यों रिएक्ट क्यों कर रहे हो, इग्नोर कर दो, सिंपल है। और इससे ना कुछ नहीं होगा, बल्कि जिसका टैलेंट है उसको कदर किया करो। No comment.